नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप, महीम अवधेश। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का बीमा कराने के बयान पर एबीपी गंगा से बोले भाजपा नेता उमेश द्विवेदी। उन्होंने कहा, ये मेरी राय है, अभी पार्टी नेताओं से मेरी बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों को लेकर सामाजिक संगठन है, उनसे बातचीत के बाद ये मैंने अपनी राय पेश की है कि ब्राह्मणों का बीमा उत्तर प्रदेश में करवाया जाना चाहिए। उन्होंने ये साफ एबीपी गंगा से कहा है कि ये मेरी राय है, पार्टी के बड़े नेताओं से अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में ब्राह्मणों का बीमा कराने को लेकर जो बयान है उस पर सफाई आई है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरा बयान आया, अब उमेश द्विवेदी एबीपी गंगा से कह रहे हैं कि ये मेरी निजी राय है, बड़े नेताओं से बात नहीं हुई, ये लकीर खींचने की कोशिश है या लकीर खींचने के पहले की एक आहट पेश की जा रही है? देखिए, ये सिक्का उछाल कर देखने की कोशिश की जा रही है कि ये किस करवट बैठ रहा है, इस पर टेम्परेचर क्या है। जिस तरीके से देवमणि द्विवेदी ने, जो एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विधानसभा में क्वेश्चन लगा चुके हैं कि कितने ब्राह्मणों की इस सरकार में हत्या हुई, पूरा डिटेल मांग रहे हैं, तो ब्राह्मण राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। और ऐसे में न केवल भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, बल्कि जो सोर्सेस से मेरी जानकारी है, संघ और संघ का जो हाईकमान है वो भी बहुत चिंतित है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, तीन दशक यानी 30 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर्स रहा है ब्राह्मण, यानी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे जीते 60-70% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी। ये एक बड़ी अहम बात वीरेश जी आपने कही है कि सिक्का उछाल कर टेम्परेचर नापने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बार दर्शकों को हम खबर बता देते हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी, उन्होंने बयान दिया कि भाजपा जो है वो ब्राह्मणों का बीमा करवाएगी, इस बारे में विचार कर रही है, ये खबर आई। उसके बाद एबीपी गंगा ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी राय है, अभी पार्टी नेताओं से बात नहीं हुई है, कई ब्राह्मण संगठन ऐसा चाहते हैं, ये उमेश द्विवेदी ने कहा है। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस वक्त ब्राह्मणों की रिझाने की राजनीति चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जो कि परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कह रही है, और चाहे फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है, पहले क्या उमेश द्विवेदी ने कहा ब्राह्मणों को लेकर, सुनवाते हैं आपको, उसके बाद बताएंगे कि बाद में उन्होंने क्या कहा है। नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल हैं। हमने पूरे देश के लिए किया, तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़ंजा में और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियाँ मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रिएट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है, इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नौकरियाँ मिल जाएँ, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पर तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पढ़ने वाला है, वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है, सबका विकास, सबका सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। तो सबका साथ सबका विकास नारा है, ऐसे में ब्राह्मणों का बीमा होना चाहिए। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश जी, पहले ये बयान लेकर आना कि हम ब्राह्मणों का बीमा करवाएंगे, उसके बाद ये कह देना कि हमारी बड़े नेताओं से बात नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी में काम करने का तरीका है, कोई नेता अपने मन से इतना बड़ा बयान दे दे, ऐसा भरोसे के लायक लगता नहीं है।
देखिए ये सिक्का उछालकर टेम्परेचर नापने का तरीका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। न केवल प्रदेश स्तर पर, जो सोर्सेस से खबर है, हाईकमान, बीजेपी हाईकमान भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है, और जो सोर्सेस से खबर है संघ में भी इसको लेकर अहम बैठक हो चुकी है, और बड़े स्तर पर भैया जी जोशी, दत्तात्रेय हसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, इनकी मौजूदगी में बैठक हो चली है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 दशक से यानी 30 सालों से जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी हारे जीते ये फर्क नहीं पड़ता है, लगभग 70% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं कोई कैंडिडेट हो, इसलिए जो कोर वोटर्स है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता बढ़ गई है। और देवमणि द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं लंबुआ से, यानी मैं लंबुआ का नाम इसलिए ले रहा हूं कि संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जिन्हें हराकर देवमणि द्विवेदी विधायक बने हैं, वो परशुराम चेतना पीठ चला रहे हैं, और हमारे एबीपी गंगा के कार्यक्रम में ही उन्होंने ये कहा है, माहौल क्या जो विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि वो 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। और जब परशुराम स्थल पर एबीपी गंगा पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया, जो बदहाली दिखाया, उसके बाद संतोष पांडे ने एबीपी गंगा से कहा कि वो उसके पुनर्निर्माण की बात करेंगे। तो ये अंदर खाने जो ब्राह्मण राजनीति है, यानी 11 से 13% जो ब्राह्मण है उनको लुभाने की तमाम पार्टियां कवायद कर रही हैं, और ये सारी कवायद न केवल ब्राह्मण नए हैं इस प्रदेश में, परशुराम नए नहीं है, ब्राह्मण नए नहीं है, आबो हवा में इस तरह की ब्राह्मण की बातें क्यों हो रही है, इसके पीछे विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से जो उसकी आत्मा भटक रही है, एक तरह से राजनीति में शरीर तलाश रही है कि आखिर किस पार्टी का वो झंडा पकड़ेगी, किस पार्टी का वो डंडा पकड़ेगी, यानी वो किस पार्टी के साथ जाएगी, इसको लेकर ये कवायद चल रही है। हर पार्टियों ने अपने ब्राह्मण नेतृत्व को झोंक दिया है, अखिलेश यादव ने भी अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक की है, और बसपा में तो सतीश चंद्रा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति का जो यू-टर्न है, एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि खास कार्यक्रम उत्तर मागे प्रदेश में जब उनसे बात की गई तो किस तरीके से वो अपने बयान से बदलते हुए दिखे। उमेश जी, आपने ब्राह्मणों का बीमा करवाने की बात कही है, क्या पार्टी के बड़े नेताओं से इस बारे में आपकी बात हुई, वो भी आएंगे सामने? नहीं नहीं, हमारी पार्टी के नेताओं से कोई बात नहीं हुई इससे जी। हाँ, हमारी जो विभिन्न संगठन है उनसे हमारी बात हुई है, जो खास करके ब्राह्मणों के हित में संगठन चला रहे हैं जी। तो उमेश जी, आप क्या मानते हैं कि अभी तक जो योजनाएं हैं उसमें ब्राह्मणों का हित प्रदेश में नहीं हो पा रहा है, अगला कदम उठाना बहुत जरूरी है? नहीं, जो संसाधन है उसके हिसाब से काम हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, बट लेकिन जैसे आज जो स्थितियां चल रही हैं, तमाम जाति जो संगठन बने हैं वो अपने अपने सदस्यों के लिए, वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं जी। तो इसे जो ब्राह्मण महासभा के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि वो बीमा कराएंगे अपने जो गरीब ब्राह्मण हैं। तो ये आपने सुना, उन्होंने कहा था कि भाजपा पहले बीमा कराएगी, उसके बाद वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण संगठन है उनसे बात की गई और वो चाहते हैं। वीरेश जी, सवाल ये है कि ये इतनी जल्दी आधे घंटे के अंदर जो यू टर्न आया, इसके पीछे की वजह क्या है? डांट पड़ी या जो सिक्का उछलना था वो उछल गया, इसकी इतनी जल्दी पलटने की वजह क्या है? देखिए, एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं सोर्सेज के हवाले से खबर दे दूं कि अभी कुछ देर पहले स्वतंत्र देव सिंह ने, जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उमेश द्विवेदी से बात की। जैसा कि हमारे संपादक रोहित सावल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इस तरह से उलूल जुलूल बातें नहीं की जा सकती हैं, कोई भी वायदा नहीं किया जा सकता है, क्षेत्रीय पार्टियाँ कोई भी वायदे कर सकती हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिम्मेदार पार्टी है, और केंद्र और प्रदेश दोनों जगह उसकी सरकार है, और ऐसे में कोई MLC इस तरह की बात करता है तो उसको लेकर पार्टी के अंदर हलचल है और एक तरह से हड़कंप भी है कि आखिर किस बिना पर पार्टी के उमेश द्विवेदी जो MLC हैं, शिक्षक नेता हैं, वो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। जो सोर्सेस पे खबर आ रही है एबीपी गंगा के पास, ये बड़ी खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उमेश द्विवेदी से बात की है और कहा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान आपने किसके कहने पर दिया है, किस बिना पे दिया है, किस अधिकार पे दिया है, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के संगठन में नहीं है, आखिर किस
हैसियत से आपने ये बयान दिया है, पार्टी को इस तरह से संकट में झोंकने की क्या वजह है, क्या क्या तरीका है आपके बात करने का, और उसके बाद से आप उमेश द्विवेदी के जो सुर हैं वो बदलते देखा आपने। एबीपी गंगा पर उमेश द्विवेदी ने साफ कहा कि मैंने तो आएं बाएं साएं वो बोलने लगे कि संगठन से बात की है, परशुराम सेना से बात की है, लोगों से बात की है, ब्राह्मण संगठनों से बात की है। आखिर किस बिना पर, किस हैसियत से, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मैं प्रवक्ता भी नहीं हूं, संगठन में नहीं हूं, तो मैंने अपने व्यक्तिगत आधार पर व्यक्तिगत हैसियत से ये बातें कही हैं, लेकिन सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि उन्हें बहुत डांट पड़ी है। स्वतंत्र देव सिंह का फोन गया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फोन गया है, और संगठन महामंत्री सुनील बंसल का भी फोन उनके पास गया है, उमेश द्विवेदी के पास, उन्हें डांटा गया है कि इस तरह का बयान जो आपने दिया है उसे वापस लीजिए, और कोई भी टेलीविजन चैनल आपसे संपर्क करता है तो आप इस तरह का बयान दीजिए। और पार्टी संगठन के कहने के बाद ही उमेश द्विवेदी ने बयान पलटा है, जबकि वो अब कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत हैसियत पर ये बात कह रहा हूं। देखिए, उमेश द्विवेदी की जो राजनीति है वो शिक्षक राजनीति करते हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन देखिए अंदर जो पार्टी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके अंदर हलचल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल वीरेश जी पर एक और भी उठता है, हलचल और उसी आलाकमान के डांट खाने के बाद भले ही उमेश द्विवेदी अपना बयान वापस ले लें, पार्टी के हिसाब से बयान दे दें, लेकिन वो मुद्दा, वो बेबसी और वो ब्राह्मण संगठनों का मन तो उन्होंने उछाल ही दिया, जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी बीएसपी भी कर रही है, एसपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। अब क्या इस यूटर्न से जान बचेगी? अब देखिए, उन्होंने टेम्परेचर भांप लिया कि किस तरह से टेम्परेचर है, उन्होंने अपनी बात रख भी दी, और 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। और मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि न केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर के विधायक, बल्कि बाहर के जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस ब्राह्मण राजनीति पर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है, और बहुत ही हंगामेदार विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और शुरुआत में ही इस बात को लेकर, ब्राह्मण राजनीति को लेकर बहुत ही हंगामा होगा। इसके लिए सरकार और पार्टी के अंदर भी रणनीति बनाई जानी शुरू हो गई है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक जो विधायकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो भी इस पूरे मामले पर अपने बीच में मंथन कर रहा है। और सोर्सेस से हमारे पास खबर है, एबीपी गंगा के पास ये खबर है कि ब्राह्मण बिरादरी के जो विधायक हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें वो आपस में संपर्क में है, और 20 तारीख को कोई विधानसभा में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इसके लिए सरकार के भी कान खड़े हो गए हैं, और जो सरकार है वो अपने स्तर पर विधायकों से बात करने की कोशिश कर रही है, और पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सुनील बंसल हैं, संगठन महामंत्री, वो लोग लगातार ब्राह्मण विधायकों के संपर्क में हैं, और ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर विधानसभा के सत्र में जो 20 तारीख से शुरुआत होने जा रही है कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसको लेकर पार्टी का जो संगठन है वो काफी चिंतित है, और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में भी पार्टी हाईकमान से चर्चा की जा रही है, और उत्तर प्रदेश में राजनीति, ब्राह्मण राजनीति गरमाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख को जो सत्र शुरू होगा, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सभी इस तरह की बातें उठेंगी। विधानसभा का 20 तारीख का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होगा, और एबीपी गंगा के पास ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही हलचल है। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को दिखा नहीं सकता और ना मैं बता सकता हूं, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं दर्शकों को बता रहा हूं, बेहद हलचल है, और उसमें तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, और इसको लेकर सरकार के अंदर भी चिंता का एक तरह से बहुत ही परेशानी है। और मैं बताऊं कि इसको लेकर पार्टी के अंदर भी बैठक की जा रही है, तो क्या वीरेश जी, हम ये मान सकते हैं में इस बात को लेकर बैठक हो चुकी है एनकाउंटर के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, उसके बाद कांग्रेस के सवालों के बाद सपा परशुराम की मूर्ति लेकर आई, बीएसपी उससे भी बड़ी मूर्ति लेकर आ गई, ये जो तमाम चीजें स्थापित की गई, भले ही बीजेपी मना कर रही थी कि ये सब सियासी तमाशा हो रहा है, लेकिन उस तमाशे का ताप अंदर अंदर जला रहा है, ये चीज स्थापित हो गई है।
देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण वोटर्स को लेकर बहुत ही चिंता की बात है। 11-13% भारत उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये परसेंटेज में देखने को 11-13% दिखते हैं, लेकिन चौक चौराहों पर और अपने इलाकों में और अपने गाँव में अपने शहरों में वो कम से कम 5-10% वोटर्स को एक तरह से कन्विंस करते हैं। उनमें जो तार्किक क्षमता है वो समाज के एक तरह से तथाकथित रूप से अगुआ माने जाते हैं, तो जिस तरीके से वो कन्विंसिंग ताकत है उनमें, वो तार्किक रूप से अपने लोगों को कन्विंस करते हैं, अन्य समुदाय के लोगों को अपनी बातें रखते हैं, इसलिए वो 11-13% नहीं है बल्कि 20% वोटर्स को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। वो उनको अपने बूथ पर ले जाते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर ग्रामीण राजनीति तक को बताते हैं, समझाते हैं, कन्विंस करते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में ब्राह्मण राजनीति अगर सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उत्तर प्रदेश में है। और मैं आपको बताऊं कि 30 साल पहले 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं, यानी आजादी के बाद से 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तीन दशक से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, मैं पहले भी बताया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो पहले कांग्रेस के ये वोटर थे, यानी 3 दशक पहले कांग्रेस के ये वोटर थे आजादी के बाद से, लेकिन 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी हारे चाहे जीते, ब्राह्मणों का वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जाता रहा है और वो काफी प्रभावित करते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता भी है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, अगर ये जुमला साबित हुआ तो फिर मैं घर घर जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि बीजेपी जुमले छोड़ती है। तो भले ही उमेश द्विवेदी ने बयान वापस ले लिया, पर ये घर घर जनसंपर्क जुमले को लेकर अगर कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ये बैठे बिठाए एक आफत खड़ी हो जाएगी बीजेपी के लिए सियासी तौर पर। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में इसी मामले को लेकर चिंता है। और जहां तक अभिषेक मिश्रा की राजनीति की बात है तो वो बहुत जनता के बीच में जाकर राजनीति नहीं करते हैं, और वो एक बार विधायक जरूर हुए हैं, लेकिन वो घर घर और जन जन तक जाने की राजनीति जो अभिषेक मिश्रा को जानता है, वो जानता है कि वो पूरे तरीके से गाँव में जाकर और समाज में जाकर इस कोरोना काल में घर घर पहुँच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस MLC ने, उमेश द्विवेदी ने, उत्तर प्रदेश की जो ब्राह्मण की राजनीति और तमाम तरह की परशुराम और ब्राह्मण की राजनीति की जा रही है, उसमें उबाल और यानी एक तरह से कहें कि पेट्रोल डालने का काम किया है। और इस तरह से अगर समाजवादी पार्टी के नेता और जो इस परशुराम पीठ और चेतना पीठ को चला रहे हैं उनमें इस तरह की बातें आई हैं कि वो घर घर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के MLC ने ये बातें कही हैं, हालांकि अब वो पलट गए हैं, कोई आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन बैठे बैठाए इस सरकार को और साथ ही साथ पार्टी को उन्होंने सांसद में और फांसी में तो डाल दिया। और ऐसे में क्या करना होगा पार्टी के लोग तय करेंगे, लेकिन सोर्सेस से खबर आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ने उमेश द्विवेदी को बेहद डांटा है और कहा है कि आप किस बिना पर किस हैसियत से आपने बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, देखिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसकी सीमाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा जुमलेबाजी में फंस नहीं सकती क्योंकि उसे वादा पूरा करना होता है, और न केवल उसके एक प्रदेश में सरकार होती है बल्कि अगर उसको अपनी किसी भी बात को रखना होगा तो न केवल प्रदेश में, यानी ब्राह्मण तो केवल उत्तर प्रदेश में है नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है और ब्राह्मण भी पूरे देश में है, तो राष्ट्रीय पार्टी की एक सीमा होती है, अगर कोई भी बात वो कहती है तो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करती है। आप कांग्रेस की भी राजनीति देखे होंगे, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति जो करते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनकी अपनी बातें, वो एक प्रदेश की राजनीति है, वो कोई भी वादा कर सकते हैं। ऐसे में उमेश द्विवेदी ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को सांसद में डाल दिया है, सरकार को सांसद में डाल दिया, और ऐसे में 20 तारीख से लिया है, और देखने वाली बात होगी कि अब राजनीति तो होने वाला है, ब्राह्मण हित के नाम पर जो बुलंदी तलाश रही वो कहां तक जाती। शुक्रिया आपका वीरेश जी जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।